दर्शक मित्रों नमस्ते, मैं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट आप सबका वीजा विंडो हिंदी सीरीज पार्ट 18 में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने आपको अमेरिका के स्टूडेंट वीजा, जिसकी संज्ञा F-1 है, उसके बारे में कुछ जानकारी दी थी। F-1 और डिपेंडेंट F-2, ये वीज़ा पाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या ज़रूरियात है, ये सब मैंने आपको बताया था। स्टूडेंट कैसे कैसे प्रकार के होते हैं, उनकी वहाँ जाने की क्या, अमेरिका में जाने की क्या इच्छा होती है, उनको इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाते हैं, यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन लेना चाहिए, ये सब बातें मैंने आपको बताई थी। और ये एपिसोड में मैं आपको M1 वीज़ा के बारे में, जो भी एक स्टूडेंट वीज़ा का प्रकार है, उसके बारे में जानकारी देना चाहता था। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी बातें बनी कि जिसके कारण भारत से जो विद्यार्थी अमेरिका पढ़ने गए हैं और जो अभी जाना चाहते हैं, वो बड़ी मुश्किल में आ गए हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करें, तो वो मुश्किल क्या है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप अमेरिका F-1 वीज़ा के ऊपर, स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, तो आपको इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक चलना रहता है। और यह स्टूडेंट के लिए जो इमिग्रेशन का कानून है, वो ऐसा बताता है कि अगर कोई परदेशी विद्यार्थी अमेरिका में ऑनलाइन घर पे बैठ के, हॉस्टल में बैठ के स्टडी करना चाहता है, कोई भी कारण रहे, तो वो एक सेमिस्टर में 3 क्रेडिट ही ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा उसने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किए, पर्सनली यूनिवर्सिटी में जाके क्लासेस अटेंड करके शिक्षण नहीं लिया, तो फिर उसका स्टूडेंट स्टेटस समाप्त हो जाता है। वो फिर अमेरिका में रहने के लायक नहीं रहता है, उसको वापस अपने देश आ जाना पड़ता है। तो क्या कानून है, एक सेमिस्टर में 3 क्रेडिट से ज़्यादा आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते। अब फरवरी मार्च में ये COVID-19 ये महामारी रोग का फैलावा हुआ और सब लोगों को घर पे बैठने की कंपलसरी फर्जियात, घर पे बैठना पड़ा, दुकानें बंद हो गई, ऑफिसें बंद हो गई, लोगों ने बाहर आना जाना बंद किया, एक के ऊपर एक लोग ये महामारी के कारण मरने लगे, लोगों को हिलना मिलना, आपस में मिलना जुलना अच्छा नहीं था, पाबंदी लग गई। ऐसे समय में जो यूनिवर्सिटी में अभ्यास करते थे, अमेरिकन स्टूडेंट या इंडियन स्टूडेंट, दोनों को कॉलेज में जाना बंद करना पड़ा और घर पे बैठ के, हॉस्टल में बैठ के ऑनलाइन कोर्स करना पड़ा। तो मार्च महीने में अमेरिका की सरकार ने उनकी जो स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम है, वो संस्था ने ये सब तकलीफें देख के ऐसा जाहिर किया कि कोई बात नहीं, जो फॉरेन से स्टूडेंट यहाँ आए हैं, भारत, चीन, कोरिया, कई देशों से अमेरिका में फॉरेन स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, वो अगर एक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट से ज़्यादा भी घर पे बैठ के, हॉस्टल में बैठ के अपना कोर्स करेंगे, तो कोई वादा नहीं है। तो सब लोगों को, सब परदेशी विद्यार्थियों को रिलीफ हुई, बोला कि अभी हम घर में बैठ के, हॉस्टल में बैठ के अपना कोर्स ऑनलाइन करेंगे। लेकिन फिर और यूनिवर्सिटी ने ये वादे के मुताबिक, ये जो नया सेमेस्टर शुरू होने वाला है, नया एकेडमिक ईयर शुरू होने वाला है जुलाई, अगस्त, सितंबर से, तो वो लोग ने ऑनलाइन तालीम देने की
सब प्रक्रिया चालू की। प्रोफेसरों ने अपने लेक्चर्स तैयार किए ऑनलाइन, फिर ये जो कंप्यूटर वगैरह का बंदोबस्त किया और लड़के लोग घर में बैठ के अभ्यास कर सके ऐसी तैयारियां शुरू की। सडनली अचानक 6 जुलाई, अभी थोड़े दिन पहले ही, ये संस्था स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम, उसने जो मार्च महीने में गारंटी दी थी कि आप लोग घबराइए नहीं, घर पे बैठ के स्टडी कीजिए, ऑनलाइन स्टडी कीजिए, आपका स्टूडेंट वीज़ा का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये संस्था ने बोला कि अगर आप कॉलेज में नहीं जाते हैं, ऑनलाइन स्टडी करते हैं, हॉस्टल में या घर पे बैठ के स्टडी करते हैं, तो आप अपने देश वापस चले जाओ। अगर आप यूनिवर्सिटी में क्लासेस नहीं भरेंगे तो आपको अमेरिका में रहने की कोई जरूरत नहीं है, गो बैक टू योर कंट्री। बाप रे, करीबन 275,000 इंडियन स्टूडेंट, सिर्फ इंडियन स्टूडेंट आज अमेरिका में स्टडी कर रहे हैं। वो सब यूनिवर्सिटी तो बंद हो गई थी, क्लासेस बंद हो गए थे, तो घर पे बैठ के हॉस्टल में बैठ के स्टडी कर रहे थे। अब उनको बोला कि आप घर पे स्टडी करते हैं, यूनिवर्सिटी में नहीं जाते, तो चले जाओ वापस इंडिया। और सिर्फ इंडियन नहीं, सभी देशों के लोगों को, स्टूडेंट्स को बोला कि आप अगर ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो यहाँ नहीं रहने का, यू गो बैक टू योर कंट्री। अब ये सब विद्यार्थी सोच रहे हैं कि क्या करें। कई विद्यार्थी ने 1 साल 1.5 साल वहाँ स्टडी किया है, कई विद्यार्थी अभी एग्जाम देने वाले हैं, और अभी जो नए हुए ये साल जाने वाले हैं वो भी सोचने लगे कि हम कैसे जाएं वहाँ, वहाँ क्लासेस तो चलते नहीं है, और अगर हम ऑनलाइन स्टडी करेंगे वहाँ घर पे बैठ के तो हमको वहाँ रहने को नहीं मिलेगा। तो ये सब डिफिकल्टी आ गई। आपको पता है अमेरिका में जो कंप्यूटर साइंस का अभ्यास करते हैं उसमें 75% 75% विद्यार्थी फॉरेन के हैं, यानी 100 स्टूडेंट का जो क्लास है उसमें से अमेरिकन विद्यार्थी सिर्फ 25 है, बाकी के 75-75 विद्यार्थी बाहर से आए हुए, हिंदुस्तान, चाइना, कोरिया, फिलीपाइंस, रशिया वगैरह देशों में से आए हैं। अगर वो सब चले जाए, वो सब कंपलसरी उनको घर पे बैठ के स्टडी करने की ना बोले और वो अपने देश में चले जाए, तो ये यूनिवर्सिटी क्लासेस किसके लिए चलाएगी? आपको पता है राइस यूनिवर्सिटी में 76% स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस का क्लास करते हैं, टेक्सास टेक में 92%, USLA में 63%, नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी में 86%, LSU यूनिवर्सिटी में 75%, जॉर्ज मेंशन यूनिवर्सिटी में 73%, वेंडरबिल्ट में 83%, वेस्ट वर्जीनिया में 86% और वर्जीनिया टेक में 77% विद्यार्थी जो कंप्यूटर साइंस का अभ्यास कर रहे हैं वो सब परदेशी है और ज़्यादातर इंडियंस है। अब वो सब अगर इंडिया आ गए वापस तो कॉलेज क्या किसको सिखाएगी, क्लासेस कैसे चलाएगी? और ये सब जो विद्यार्थी है इतने सारी संख्या में, उन्होंने अपना समय बर्बाद किया है, पैसे खर्चे किए लाखों रुपया, अब अगर उनको बोला जाए कि आप यहाँ रह के घर पे बैठ के अभ्यास नहीं कर सकते, आप वापस चले जाओ, तो उनकी हालत क्या होगी? और मालूम है ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स है ना, उसके अंदर जो लोग मास्टर्स और PhD का कोर्स कर रहे हैं वो 93% स्टूडेंट फॉरेन के। अगर ये सबको वापस आना पड़ा, या अगर समझो कि यूनिवर्सिटी को क्लासेस खोलने पड़े तो क्या होगा, तो ये COVID-19 में कितने और स्टूडेंट मर जाएंगे। ये स्टूडेंट वहाँ जाएंगे तो प्रोफेसर भी जाएंगे और भी कर्मचारी जाएंगे, फिर वो ये रोग का फैलावा होगा,
वो शहर में फैल जाएगा, पूरा अमेरिका में फैल जाएगा, तो नुकसान है अमेरिका को। इसीलिए हार्वर्ड और बाकी सब यूनिवर्सिटियों ने ये कानून चैलेंज किया है और कोर्ट से ये इल्तजा की है कि ये जो पहले प्रॉमिस किया था कि आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं और अभी बोलते हैं कि आप घर पे जाओ, अपने देश में जाओ, तो ये गलत है और इससे यूनिवर्सिटी को बहुत नुकसान होगा और ये विद्यार्थियों को भी नुकसान होगा। अभी वो केस दाखिल हुआ है 8 जुलाई को, अब देखते हैं 2-4 दिन में वो इंजंक्शन की स्टे की एप्लीकेशन की है, वो कब इसका क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। तो भारतीय विद्यार्थी जो अभी अमेरिका में पढ़ रहे हैं वो बहुत ही तकलीफ में, अब उनका क्या होता है मैं आपको 2-4 दिन में बताऊंगा। तब तक अगर इमिग्रेशन के बारे में आपको कोई भी प्रश्न है टेंशन मत लो, मुझे मिलो, मैं हूं ना। नमस्ते, जय हिंद।